बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ रिंगर सॉल्यूशन। इस टॉपिक में हमने पढ़ना है कि रिंगर सॉल्यूशन, जिसे हम ड्रिप भी कहते हैं, आखिर हम ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, इसको अगर हम छोटे लेवल पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनाना चाहें या अपने घरों में बनाना चाहें तो किस तरह बना सकते हैं, ये सारा का सारा प्रोसीजर और इसका जो यूजेज है वो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाट इज़ रिंगर सॉल्यूशन। रिंगर सॉल्यूशन है क्या चीज़? तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि रिंगर सॉल्यूशन जो है, ये किसी भी चीज़ को मीडिया से बाहर देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम रिंगर सॉल्यूशन में रखते हैं। रिंगर सॉल्यूशन जो है, ये एक फ्लूइड है विच इज़ यूज टू मैमेलियन टिश्यू। फ्लूइड है विच इज़ यूज टू मैमेलियन टिश्यू alive outside the body, यानी ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें हम कोई भी अगर टिश्यू है उसको बॉडी के बाहर ज़िंदा रखने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। अब जो है इसका काम क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है जो कि मैमेलियन टिश्यू को बाहर ज़िंदा रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मैमेलियन टिश्यू। अच्छा, तो अब इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं ऐसे, तो इसमें हमारे पास आ जाता है, यानी ये मेंटेन करता है पीएच को, उसके अलावा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और बाकी बहुत सी चीज़ें जो हमें हेल्प करती हैं। इसके बाद हमारे पास रिंगर सॉल्यूशन, आपको पता चल गया कि रिंगर सॉल्यूशन है क्या चीज़। अब इसका प्रोसीजर क्या है और इसके प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, तो वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, वेट बैलेंस, जिसे हम वेट मशीन भी कहते हैं, वेट बैलेंस। इसके बाद हमारे पास बीकर आ जाएगा जो कि कॉमनली लेबॉरेटरीज में यूज होता है। फिर हमारे पास ग्रेजुएटेड सिलेंडर, इसके बाद हमारे पास आ जाता है पिपेट एंड वाटर गिलास। फिर हमारे पास आ जाता है कि इसका प्रोसीजर क्या है, आखिर हम कौन से प्रोसीजर के थ्रू ये परफॉर्म करते हैं। प्रोसीजर बताने से पहले पहले मैं आपको बताता चलूं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चीज़ हैं। तो इंग्रेडिएंट्स पहले बता देता हूं आपको, ताकि आसानी रहे आपको प्रोसीजर समझने में। इंग्रेडिएंट्स इसमें हमारे पास जो है, हम NaCl यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसे हम नमक भी कहते हैं, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 भी यूज़ करते हैं, NaHCO3 भी यूज़ करते हैं जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, फिर इसके बाद हम KCl भी यूज़ करते हैं एंड ग्लूकोज भी यूज़ करते हैं एंड वाटर भी यूज़ करते हैं। अब जो ड्रिप है उसको बनाने के लिए एक स्पेसिफ़िक क्वांटिटी की ज़रूरत होती है और ये इंग्रेडिएंट्स एक स्पेसिफ़िक क्वांटिटी में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी होती है 0.59 ग्राम,
कैल्शियम क्लोराइड की होती है 0.024 ग्राम, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट की होती है 0.02 ग्राम, एंड कैल्शियम क्लोराइड की होती है 0.042 ग्राम, एंड ग्लूकोज की होती है 0.2 ग्राम, एंड वाटर की हम यूज़ करते हैं 100 ml। तो देख सकते हैं आपके पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। जब आपके पास ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो आप एक रिंगर सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है प्रोसीजर। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोसीजर का पहला पॉइंट है वो है कि पिक 6 बीकर्स एंड ऐड 110 ml वाटर इन ईच बीकर। तो ये है हमारा पास सबसे पहला स्टेप कि हमने 6 बीकर्स लेने हैं। जैसे कि मैं रिक्वायरमेंट्स में आपको बता चुका हूँ कि बीकर्स लेने हैं, तो 6 बीकर्स लेने हैं और हर बीकर के अंदर हमने 10 ml क्वांटिटी वाटर ऐड कर देना। फिर आता है हमारे पास दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास कि मिक्स ऑल इंग्रेडिएंट इन ईच बीकर सेपरेटली। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ETC, तो इनमें से कुछ पाउडर फॉर्म में है और कुछ सॉलिड फॉर्म है। तो सॉलिड फॉर्म वाले इंग्रेडिएंट्स को हमने पहले पाउडर फॉर्म में चेंज करना है, एंड देन फिर उन्हें हमने बीकर के अंदर ऐड कर देना है। फिर तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है? तीसरा स्टेप है हमारे पास टेक ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ग्रेजुएटेड सिलेंडर लेना है। फिर चौथा स्टेप में हमने क्या करना है? चौथे स्टेप में हमने करना है कि पोर कर देना है ऑल बीकर्स इन इट, यानी जितने भी हमने 6 बीकर्स थे और 6 बीकर्स में हमने अलग-अलग से इंग्रेडिएंट्स डालकर एक पूरा सॉल्यूशन बनाया हुआ था, उन सब को हमने ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डाल देना है। फिर हमारे पास जो पाँचवा प्रोसीजर है, पाँचवा स्टेप क्या है? बट कीप इन माइंड, लेकिन ये ख्याल रखना है आपने, जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स थे जैसे कि सोडियम क्लोराइड था वो हमने सबसे पहले डालना है, एंड देन फिर कैल्शियम क्लोराइड जो है वो बिल्कुल एंड में डालना है। हमारे पास जो लास्ट स्टेप है वो है कि हमने जो सॉल्यूशन है उसे 100 ml का बना देना है, और ये हमारे पास जो है रिंगर सॉल्यूशन तैयार हो गया। रिंगर सॉल्यूशन। तो इसका ओवरव्यू मैं फिर से आपको देता चलूं कि रिंगर सॉल्यूशन जो है ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें हम किसी भी टिश्यूज़ को बॉडी के बाहर यानी आउटसाइड ज़िंदा रखने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं? वो pH को मेंटेन करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जो कि टिश्यूज़ होते हैं ताकि वो ज़िंदा रह सकें। फिर इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने बताई है आपको, वेट बैलेंस, बीकर, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, पिपेट एंड वाटर गिलास। फिर प्रोसीजर में जाने से पहले मैंने इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, एंड फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटाशियम क्लोराइड, ग्लूकोज एंड वाटर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स, इनका एक प्रॉपर फंक्शन है। अगर किसी भी को ज़रूरत हो तो कोई आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। फिर है प्रोसीजर। प्रोसीजर में सबसे अहम जो बात है वो ये है कि 6 बीकर्स लेने हैं, फिर एक एक बीकर में आपने 10-10 ml वाटर डालना है, फिर एक एक इंग्रेडिएंट्स उठाना है और इन बीकर्स में ऐड कर देना है। फिर ये सारे जो है एक बड़े से ग्रेजुएटेड सिलेंडर में आपने डाल देने हैं। फिर जो तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है वो ये है कि हमने सोडियम क्लोराइड को सबसे पहले डालना है, एंड देन कैल्शियम क्लोराइड को, और ये हमारे पास रिंगर सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।